हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 में हमने अध्याय 1 और 2 के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। आज की इस क्लास में हम पार्ट 3 सवैया कवित के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कवि ने श्री वज्र दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। यानी कि कवि ने श्री वज्र दुल्ह जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों बताया है वो आपको बताना है। यानी यहाँ पर दो प्रश्न है, पहला वज्र दुल्ह किसके लिए आया हुआ है और उसे मंदिर का दीपक क्यों बताया है। तो देखें, देवजी ने श्री वज्र दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है, श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का क्या है, सूचक है। जिस तरह एक दीपक मंदिर में प्रकाश और पवित्रता का सूचक है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का क्या करते हैं, संचार करते हैं और इसी कारण इन्हें और उन्हीं से क्या है, संसार प्रकाशित है और इसी कारण उन्हें इस संसार रूपी मंदिर का क्या कहा गया है, दीपक कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया हो। अब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे पंक्ति लिखी गई है, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। तो यहाँ पर देखो क वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। दूसरे में देखो, सावरे अंग लसे पट पित, तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है, प वर्ण की, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तीसरा वाक्य है, हिये हुल से बनमाल सुहाई, तो यहाँ पर बार बार कौन सा वर्ण आ रहा है, ह वर्ण, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब है कुछ उदाहरण, वो है रूपक अलंकार के। तो देखो, रूपक अलंकार में क्या होता है, किसी एक की दूसरे के साथ तुलना की जाती है। जैसे दिखा हुआ है, मंद हसी मुखचंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तो यहाँ पर मुख रूपी चंद्र, यानी मुख को, यानी मुंह को चंद्रमा के समान बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, तो यहाँ पर संसार रूपी मंदिर, यानी संसार को किसके रूप में, मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो ये आपके कुछ अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार के उदाहरण थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपके सामने कुछ पंक्तियां लिखी गई है जिनका आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखो पंक्तियां क्या है, पाइनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पट पित, हिये हुल से बनमाल सुहाई। तो देखो इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा, तो इन पंक्तियों में किसकी बात की गई है, श्री कृष्ण के अंगों और आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण के अंग और आभूषणों की चर्चा की गई है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है, कमर में बधी करधनि की ध्वनि में भी क्या है, मधुरता है, और कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी क्या है, अद्भुत है। ठीक, अब बात करें भाषा सौंदर्य की, इसमें तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है, शुद्ध साहित्यिक वज्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा, वज्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इसे कोमल और क्या बनाता है, मधुर बनाता है। फिर कटी किंकनी पट पीत हिये हुलसे में किस अलंकार का उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। साथ ही पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता का महत्वपूर्ण संयोग देखने को मिलता है, और साथ ही साथ कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी बहुत सुंदर तरीके से उपयोग किया गया है। ठीक है, यह आपका तीसरा प्रश्न था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। दिया गया है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि यहाँ पर जो ऋतुराज है, जिसे वसंत कहा जाता है, सभी ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, वसंत ऋतु को, तो उसके बाल रूप का वर्णन करना है, जो परंपरागत एक बसंत ऋतु होती है उसके साथ उसकी तुलना करनी है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो देखें,
अगर हम बात करें बसंत ऋतु के परंपरागत वर्णन की, तो इसमें कवि क्या देखता है, चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि दर्शाते हैं। ये सारी घटनाएं किसमें शामिल है, बसंत के परंपरागत वर्णन में। वही बात करें ऋतुराज वसंत के, को जब कामदेव बालक के रूप में चित्रित किया गया है, तो उनके साथ प्रकृति सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। यानी जब हम बसंत ऋतु का एक बाल रूप के रूप में या बालक के रूप में जब वर्णन करते हैं, तो उन सभी घटनाओं को शामिल किया जाता है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ, यानी जब एक बच्चा छोटा होता है और जिस तरह उसके साथ सभी लोग या उसके माता पिता जितने भी उसके साथ अटखेलियां करते हैं, ठीक उसी तरह बसंत ऋतु को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रकृति उन्हें वृक्षों का पालना, पत्तों की सैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर तोते कोयल द्वारा मनोरंजन करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह यहाँ पर एक वसंत का परंपरागत वर्णन और एक बसंत को बाल रूप में प्रदर्शित करने, दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल अलग बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, प्रातः ही जगावत गुलाब छटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कवि इन पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। तो देखे, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी वसंत को प्रातः काल गुलाब छुटकी बजाकर क्या करते हैं, जगाते हैं। यानी कि बसंत को यहाँ पर शिशु बताया है और शिशु को प्रातः काल में गुलाब है वो छुटकी बजाकर क्या करता है, नींद से जगाने का काम करता है। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो छट छट की आवाज आती है उसे कवि क्या कहता है, उसे कवि छुटकी बजाना कहता है। ठीक, तो ये इन पंक्तियों का भाव था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। यानी कवि ने चांदनी रात की जो सुंदरता है उसको किन किन रूपों में देखा है या किन किन रूपों में वर्णित किया है वो आपको बताना है। तो देखे, सबसे पहले कवि ने बताया है कि आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक या क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। यानी एक कांच का बना जिस तरह से मंदिर दिखाई देता है, ठीक उसी तरह कवि को आकाश में फैली हुई चांदनी दिखाई देती है। फिर दूसरा उन्होंने किस रूप में बताया है कि चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा है। ना, चारों तरफ फैली चांदनी को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि दही का जो सागर है वो उमड़ता हुआ आ रहा है। तीसरा उन्होंने किन रूप में बताया है कि पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का क्या फैल गया हो, दूध के जाग फैल गए हो। जिस तरह दूध के जाग फैलते हैं, ठीक उसी तरह उसकी तुलना वो आकाश में फैली हुई चांदनी को देखकर करता है। अगला उन्होंने बताया है कि चांदनी रात रूपी मंदिर में झिल मिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी क्या हो, युवतियां हो। यानी कि रात में समय आकाश में जिस तरह तारे चमकते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो सब क्या हो, सजी धजी युवतियां यानी कि लड़कियां हो, जिनकी आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिलती ज्योति के समान है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर चांदनी रात की सुंदरता को अलग अलग रूपों में क्या किया है, वर्णित किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत छंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार मौजूद है। तो सबसे पहले इसका भाव क्या है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत होता है। किसके समान, प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्रतीत होता है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है, यानी यहाँ पर राधा की जो तुलना है वो क्या, उसकी चांद से भी उसे बेहतर बताया गया है। और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, और चांद को क्या बताया है, चांद को केवल राधा की परछाई के रूप में वर्णित किया है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, न कि उपमा अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राधा को चांद से भी बेहतर बताया है, यहाँ पर तुलना नहीं की है बल्कि उससे उच्च कोटि का बताया है। इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार न होकर कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का उपयोग किया है। यानी कवि ने चांदनी रात की जो उज्ज्वलता है, जिस तरह चांदनी रात में उजाला फैलता है, उसका वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो देखे, कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का
और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है, यानी कि उन्होंने चांदनी रात की जो चांदनी होती है, जो उज्वाला होता है, उसकी तुलना उन्होंने इन चीजों से की है और उनको इनके समान बताया है। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए कि इस अध्याय में कवि ने की जो काव्य शैली है, किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, किस प्रकार के अलंकार, किस प्रकार की शब्दावली उपयोग की गई है, वो आपकी विशेषताएं बतानी है। तो देखें, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है, कौन कौन सी विशेषताएं देखें। देवदत्त बज्र भाषा के सिद्ध हस्त कवि है। कौन सी भाषा के? बज्र भाषा के। उनकी भाषा कोमल और कैसी है? मधुरतापूर्ण है। दूसरा, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छंद का प्रयोग कवित और सवैया में किया है। तीसरा, अनेक जगह जैसे कटी किंकनी, हेये हुलसे आदि में उन्होंने अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने तत्सम शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी जगह जगह बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। और साथ ही उन्होंने प्रकृति का बिल्कुल सजीव चित्रण किया है, यानी प्रकृति की तुलना उन्होंने सजीव चीजों से करके मानो उन्होंने एक जीवित शैली को क्या किया है, जिंदा किया है। और समझ लीजिए वो किसी प्रकृति का वर्णन न करके एक सजीव का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।